दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः परियुपासते। ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञं यज्ञे नैवुपजुवति। हरे कृष्ण। आज हम इस चौथे अध्याय के 25वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पिछले श्लोकों में भगवान ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सबको भी। और पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने खासकर अर्जुन को बताया कि ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर, कि एक कृष्ण कॉन्शियस जो डिवोटी होता है वो सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, मतलब उसका जीवन ही यज्ञ है। और अब इस श्लोक में, अब ये जो श्लोक आएंगे, अब जो नेक्स्ट जो 5 verses हैं, इसमें भगवान डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस, विभिन्न प्रकार के यज्ञ कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे। और इस अब जो हम 5 श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं और उसके अगले 3 श्लोकों में उन यज्ञों का लक्ष्य क्या है, पर्पस ऑफ सेक्रीफाइसेस, वो बताएंगे। तो अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं दैवम एवा परे यज्ञम, अर्थात कि इस प्रकार से देवताओं की पूजा करने में कुछ अन्य लोग भी होते हैं जो यज्ञ करते हैं, जो देवताओं की पूजा करके उनको प्रसन्न करके उनसे कुछ प्राप्त करते हैं। कौन होते हैं? योगी न परियुपासते, कर्म योगी की बात हो रही है यहाँ पर। तो भगवान यहाँ पर अब बता रहे हैं कि जो कर्म योगी होता है वो देवताओं की पूजा उपासना करता है यज्ञों के द्वारा, और वो भी यज्ञ करता है। तो ये एक प्रकार का यज्ञ भगवान बता रहे हैं जो कर्मयोगी करते हैं, देवताओं को खुश करके यज्ञ करके प्रसन्न होकर उनसे वस्तुएं मांगते हैं। और फिर ब्रह्मग्नाव परे यज्ञम, और कुछ होते हैं जो ब्रह्म रूपी अग्नि में, निराकार ब्रह्म रूपी अग्नि में क्या करते हैं, यज्ञम, यज्ञ करते हैं। किस तरह से यज्ञ करते हैं? उस निराकार ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञेन नैव उपजुहिव, उस ब्रह्म रूपी अग्नि में इस आत्मा को ही, आत्मा की ही आहुति दे देते हैं, अर्थात उस निराकार ब्रह्म में अपने आप को लीन कर देते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान योगी। तो ये कर्म योगी और ज्ञान योगी की चर्चा हो रही है इन इस श्लोकों में। 2 प्रकार के यज्ञों की चर्चा हो रही है जो कर्मयोगी और ज्ञान योगी के द्वारा किया जाता है, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। कि अल्टीमेटली पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो यज्ञ है, यज्ञ हर किसी के लिए करना अत्यंत अनिवार्य है। अल्टीमेटली इन श्लोकों से अब भगवान इम्पोर्टेंस ऑफ यज्ञ बता रहे हैं कि यज्ञ की महत्वपूर्णता क्या है हमारे जीवन में। सभी यज्ञ करते हैं, मतलब वैदिक काल में तो सभी यज्ञ करते थे, चाहे उसकी कामना हो या ना हो। कामना है तो देवताओं के लिए यज्ञ करके उनसे वस्तुएं प्राप्त करेगा, कामना नहीं है तो फिर वो कृष्ण भक्तार निष्कामत एव शांत, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो पिछले श्लोक में बताया ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवीर, फिर तो सब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेगा यज्ञ, अर्थात कर्मण्यत्र, वो विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करेगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्टीमेटली हर कोई यज्ञ करता है, बस एक व्यक्ति यज्ञ नहीं करता और वो है हम। कहने का मतलब ये है कि जानवर यज्ञ नहीं करता, और आजकल जितने भी लोग हैं संसार में वो सब जानवर तुल्य ही हैं, क्योंकि वो यज्ञ नहीं करते। यज्ञ अर्थात, यज्ञ का मीनिंग क्या है? यज्ञ का मीनिंग है कि भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ करना, या दूसरों की संतुष्टि के लिए भी कुछ करके दिखा दो। पॉइंट ये है, हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब, वैसे चलो हम तो सब श्री प्रभुपाद और भगवान कृष्ण की अनुकंपा से हम इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़ गए हैं, और हम सब तो चलो संकीर्तन यज्ञ में लगे हुए हैं, एटलीस्ट डेली 16 rounds तो करते ही हैं जो इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, और चैंटिंग करते हैं मिनिमम 16 rounds। तो उससे भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं विष्णु की संतुष्टि के लिए, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, कि मैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूँ चैंटिंग के द्वारा। अगर हमें पता ही नहीं है और वो केवल चैंटिंग अगर केवल भार बन के रह गई है और केवल गुरु का आदेश है इसलिए पालन करना है, नहीं तो अपराध लगेगा, बस डर से ही भक्ति चलती जा रही है, तो वो अल्टीमेटली शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति होती है जो बिना डर के चलती है। डर के भक्ति तो वैधि भक्ति होती है, लेकिन वैधि भक्ति कब तक चलती रहेगी? 50 साल तक। थोड़ा और हमें आगे भी तो बढ़ना है कि बिना डर के अटैचमेंट के साथ हम भक्ति करें भगवान की, अटैचमेंट के साथ नाम लें। वो दिन कब आएगा ऐसा भी तो सोचना चाहिए, और वो तभी आएगा जब हम चाहेंगे।
तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यज्ञ जो हैं वो इलॉजिकल लगते हैं आजकल के लोगों को, तभी कोई यज्ञ करता नहीं है कलयुग में। इलॉजिकल कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम रिफ्लेक्स से चलते हैं ना, आजकल के कलयुग के सभी मनुष्य रिफ्लेक्स से चलते हैं। जैसे जानवर होता है, जानवर को अगर किसी ने कुछ ऐसे हल्का सा टच किया कुत्ते को, एकदम कुत्ता वाओ करके काटने के लिए दौड़ेगा उसके पीछे, उसी तरह से वो उसका रिफ्लेक्स है। या जैसे हल्का सा दरवाज़ा खड़का एकदम से कुत्ता, जो पालतू कुत्ते होते हैं घर में, खड़े हो जाते हैं वाओ 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 करना, उसी तरह से हम भी, हमें भी हल्का सा कोई कुछ कहता तो हम भी एकदम से रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्ट करना करोड़ों जन्मों से हमारी आदत हो गई है। लेकिन यज्ञ क्या है? यज्ञ है कि रिएक्ट ना करना, कुछ बियॉन्ड करना हमारे लॉजिक के, कुछ लॉजिक के बियॉन्ड करना, वो यज्ञ है। यूँ समझ लीजिए, मतलब हम लॉजिक लगाते हैं कि उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा ही, उसने मुझे मारा कैसे। लेकिन यज्ञ मतलब है कि कुछ इलॉजिकल करना, और धर्म इलॉजिकली तो है। तभी तो युधिष्ठिर महाराज के को जो पांडव थे, अन्य चार जो पांडव थे भाई, वो कहते रहते थे कि आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कर क्या रहे हो। वो कह रहे थे मैं धर्म पालन कर रहा हूँ, ये आपको समझ नहीं आएगा चारों को क्योंकि जो यज्ञ है वो धर्म है, दूसरे के लिए कुछ करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली प्रसाद लें मंदिर में और जाके डेली बैठ जाएं और अपना प्रसाद पा के आ जाएं, लेकिन जो सभ्य पुरुष होगा, जो अच्छा डिवोटी होगा, वो जाएगा और वो वितरण भी करेगा। वो कहेगा मैं हमेशा खाता ही रहता हूँ, एटलीस्ट मैं कुछ, मैं भी तो करूँ कुछ, अपनी कुछ बलिदान तो दूँ, अपना समय का, अपनी इच्छा का कि तुरंत खा लूँ। नहीं, पहले जो सर्व करते हैं उनका पेट जल्दी भर जाता है और उनका अच्छा पेट भरता है, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। और जो सर्व नहीं करते उनका तो केवल शरीर ही तृप्त होता है। तो इसलिए अगर आत्मा को तृप्त करना है तो ये इलॉजिकल जो लगता है यज्ञ, दूसरों के लिए कुछ करना, यज्ञ का अर्थ क्या है, भगवान के लिए कुछ करना या अन्यों के लिए कुछ करना, अन्यों के आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोचना, तो ये अगर हम नहीं अपने माइंड को ट्रेनिंग देंगे तो हम कभी भी जानवर के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते। और इसलिए भगवान यहाँ पर ये अब यज्ञ बता रहे हैं, ये जो पांच श्लोकों में क्यों बता रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये सारे जो यज्ञ हैं जो वेद शास्त्रों में दिए हुए हैं, ये यज्ञ तुम्हें बहुत इम्प्रेसिव लगेंगे अर्जुन, और तुम्हें ये स्क्रिप्चुअल भी लगेंगे कि ये तो शास्त्रों में दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि ये मत करना। ये भगवान इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले भगवान ने बता दिया ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, कि कृष्ण के लिए ही, भगवान के लिए ही सारे यज्ञ होने चाहिए और उनको ही अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। वे पिछले श्लोक का सार था। तो अब भगवान अब आगे और यज्ञों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये नहीं करने अर्जुन तुम्हें, अर्जुन के द्वारा हम सबको, हम ये करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम तो संकीर्तन यज्ञ कर ही रहे हैं, उसको हमें सही से करना है। बस ये एक पॉइंट है, इस तरह से हमें इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।